Good morning, children. Today we will begin with 6th chapter, Rivers, Up Close and Personal. Up Close and Personal का meaning क्या होता है? हम जब किसी के बारे में, whether it is a thing or a person, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, okay? उसको कहा जाता है Up Close and Personal, okay? I have written down to get to know very well about something or somebody, है ना? किसी के बारे में जब बहुत अच्छी, we are having a very good knowledge about something or somebody, that is Up Close and Personal. Got it? तो रिवर्स के बारे में अब इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है. पहले के ज़माने में जो थी सारी सिविलाइजेशन, दे ग्रू अलॉन्ग द रिवर साइड्स, है ना, और रिवर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था और लोग डरते थे रिवर्स से, है ना, एज ए गॉड या गॉडेस उसे पूजा जाता था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इंसान जो है सेल्फिश होता गया, रिवर्स को उसने गंदा कर दिया, डिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया, है ना, जिसकी वजह से फ्लडिंग आ गई, ठीक है, लाइफ और प्रॉस्पेरिटी इंसान की ख़त्म हो गई. और अब रिवर्स कर बोला जाता है कि रिवर्स कुछ भी नहीं बचे हैं, सिर्फ एक गंदी ड्रेन की तरह हैं, एक गंदे नाले की तरह हैं. ओके, सो दिस हैज़ बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर्स, ठीक है, कि किस तरह से धीरे धीरे जो सेक्रेट रिवर्स थे वो चेंज हुए. नाउ कम टू द चैप्टर. You got the meaning? Up close and personal means to have a good knowledge about something or somebody, है ना, किसी के बारे में अच्छी बहुत बढ़िया जानकारी होना. Rivers have been an inseparable part of lives. There was a time when there was a river in everybody's life. The river was a playmate to a child to frolic with, or joy for a person after a hard day's work. Rivers were home to a variety of flora and fauna and a source of nourishment to farmlands. अब बताया जा रहा है कि रिवर्स जो हैं inseparable part. Inseparable means that cannot be separated, है ना, हमारे जीवन से जो अलग नहीं हो सकता, हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है ना रिवर्स रहे हैं. There was a time when there was a river in everybody's life. अब एक समय था, in the early period, you know, many many years back, when people had lot of respect for the rivers. तो सबके जीवन में, है ना, this rivers, they had a very important place. The river was a playmate to a child. अब उस समय तो river एक playmate समझते हो ना, your companion or a friend with whom you can play. ठीक है, आप जिसके साथ खेलते हो. तो रिवर क्या था, बच्चों के लिए एक वो साथी था जिसके साथ बच्चा खेल सकता था. टू फ्रॉलिक, फ्रॉलिक, यू गॉट इट, ही यूज्ड टू प्ले वेरी हैप्पीली, यू नो. और जॉय फॉर अ पर्सन आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, यानी बच्चों के लिए तो क्या था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेमेट. और जो इंसान पूरे दिन रात, है ना, मेहनत करके आता था, ऑल डे ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, तो उसके लिए रिवर क्या था, अ सोर्स ऑफ जॉय, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, उसको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता था, खुशी मिलती थी. व्हेन अ पर्सन आफ्टर डूइंग द हार्ड डेज वर्क, पूरा दिन काम करने के बाद, ही यूज्ड टू सिट अलोंग द रिवर साइड, है ना, रिवर के किनारे बैठता था, तो उसे खुशी मिलती थी. रिवर्स वर होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अब ये तो बच्चे हम जानते हैं कि रिवर्स जो हैं आज भी हैं और पहले भी थे, और आज तो कम है. क्यों? क्योंकि उनको इतना गंदा कर दिया गया है, वो एक ड्रेन की तरह, गंदी नाली की तरह बन गए. लेकिन पहले तो देवर अ होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट टू फार्मलैंड्स. ओके, और फार्मलैंड्स जहाँ सब खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल लैंड के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स किसको कहते हैं, मीडियम थे नरिशमेंट का. गॉट इट?